हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का स्मार्ट केशव ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष अग्रवाल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पीआरएस काउंटर से बुक हुए टिकट पर आप यात्री का नाम कैसे जान सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है, आप अगर पीआरएस काउंटर पर जाकर कोई टिकट बुक करते हो तो वहां पर जो टिकट आपको दिया जाता है उसमें पैसेंजर का नाम नहीं लिखा हुआ आता है, जबकि अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हो तो वहां पर पैसेंजर का नाम लिखा हुआ आता है। तो आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि पीआरएस से आपने कोई टिकट बुक किया है, उस बुक टिकट पर उस पीएनआर से आप ऑनलाइन कैसे जा सकते हैं कि उस पीएनआर पर कौन कौन व्यक्ति मतलब ट्रेवल करेंगे या उस टिकट पर कौन से पैसेंजर का नाम लिखा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक का पूरा देखिएगा, और अभी तक आपने स्मार्ट केशव ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, पूरा वीडियो देखते हो, तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा, और साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपसे एक ज्यादा रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं और इसी में लेकर चलते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और अब आपको बताएंगे कि आपको क्या स्टेप फॉलो करना है। दोस्तों, ये देखिए, आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर मैं आ चुका हूं, और आपको सबसे पहले यहां पर देखिए दोस्तों, एट स्टेशन लिखा हुआ है, यहां पर आपको करना है सेलेक्ट। आप जैसे एट स्टेशन पर सेलेक्ट करेंगे तो नीचे नीचे रिटायरिंग रूम का ऑप्शन आएगा। दोस्तों, जैसे ही आप रिटायरिंग रूम को क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा। आपके सामने जैसे ही दोस्तों पेज ओपन आएगा, तो मेरे पास तो ये सीधा ये आ गया। आपके पास एक स्टेप पहले आएगा, आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड पूछ सकता है, तो आपको पूछे तो दोस्तों आपको जो आईआरसीटीसी का यूजर आईडी है, पासवर्ड है, वो आप डाल दीजिएगा। यहाँ पर आपको डालना होगा पीएनआर नंबर। तो एक पीएनआर नंबर है जो मैंने अभी सर्च किया था, वो मैं डाल देता हूँ। ये पीएनआर नंबर आप अपनी विंडो टिकट वाले डाल सकते हो, जो भी आपकी टिकट है, और उसको सर्च कर सकते हो। जैसे ही आप इसको सर्च करते हो तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप इसे ओके कर दीजिए, अपने आप ओके हो जाएगा, जयपुर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, आप जैसे ही नीचे जाओगे, देखिए दोस्तों, इन दो पैसेंजर की मैंने ये टिकट बनाई है, और यहाँ पर ये पूरा पूरा नाम आ चुका है। अगर आपके पास विंडो टिकट है, क्योंकि विंडो टिकट पर दोस्तों आपको पता है कि नाम नहीं लिखा हुआ आता है, तो इस ट्रिक का आप उपयोग करके नाम देख सकते हो। दोस्तों, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, देखा आपने वीडियो, ये वीडियो देखने के बाद आपको भी पता चला होगा कि पीआरएस काउंटर से बुक किए टिकट पर यात्री का नाम हम कैसे देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को आप कीजिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्किल में शेयर, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे ही एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, आप उसे प्रेस करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल स्मार्ट केशव ज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।